हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा क्लास है, आज का जो हमारा सेशन है, इलेक्ट्रल वंड पर आधारित रहने वाला है। डियर, इससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको बता देते हैं कि इलेक्ट्रल वंड से रिलेटेड हम एक लास्ट क्लास ले चुके हैं, उसे जाकर देख सकते हैं आप। तो उसे ही कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे। तो डियर, जब उसी को बात करते हैं तो उसमें थोड़ा बता देते हैं, हम कुछ सेगमेंट्स हैं जो उस क्लास में हमने डिस्कस किए थे, जिसमें बात करते हैं कि उसका न्यूज़ का कारण जाना था कि इलेक्ट्रल बॉन्ड आखिर न्यूज़ में क्यों, इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या है या किस किस अमाउंट में बॉन्ड जारी किए जाते हैं, इसके बारे में जानने की कोशिश की हमने। देन हमने उसके रेफरेंस को देखा, आखिर जो उसमें कंपनियाँ वगैरह थी जिनके द्वारा PIL वगैरह जारी की गई थी सुप्रीम कोर्ट को, उसके बारे में जानने की कोशिश की। देन उसके बाद में हमने उसके बैकग्राउंड को देखा और उसमें जितने भी प्रिंसिपल रूल एंड रेगुलेशंस थे उनको जानने की कोशिश की। अब आज की क्लास में हम उसके आगे के सेगमेंट को लेकर चलने वाले हैं, जिसमें हम उसके बॉडीज के बारे में या सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बीच में जो भी डिस्कशन हुए हैं उन पर बात करेंगे। आइए बिना किसी देरी के आज का क्लास स्टार्ट कर देते हैं। तो डियर, हम बात कर रहे हैं आज की क्लास में कि जो आपका इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वर्सेस सुप्रीम कोर्ट, इसके बीच में क्या क्या डिस्कशन हुआ इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके जब हम डिस्कशन की बात करते हैं तो इसमें डिस्कशन किया गया, क्या किया गया कि भाई पहले तो बात कर लेते हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो कहाँ पे आता है या कहाँ पे नहीं आता है। तो डियर, पहले जान लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन वाला स्टैंड इसकी कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको कहाँ रखा गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के एक एक्ट है, सॉरी क्या है, संविधान में एक एक्ट है, एक अनुच्छेद है जिसको बोलते हैं 324। कौन सा है? 324, यानी कि संविधान के 324 जो आपका अनुच्छेद है, एक्ट है, सॉरी आर्टिकल, इसको क्या बोलते हैं, एक्ट नहीं डियर, इसको आर्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आर्टिकल। यानी जो 324 आर्टिकल है, 324 आर्टिकल के अंतर्गत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रखा गया है। वहीं पे बात करते हैं इनके बीच की कन्वर्सेशन की। तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसके द्वारा या फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या क्या बातें कही गई है। तो इसमें कहा गया है कि जो बॉन्ड है, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, जो बॉन्ड है हम उसके अगेंस्ट में नहीं है, यानी उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है, कब का एक्ट है ये आपका, 1951 का जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है, इसके थ्रू, मतलब कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो ये एक्ट है, ये एक्ट कहता है कि जनता को बॉन्ड कहाँ से आया, कहाँ से नहीं आया, वो चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए और वो जानकारी हम देना चाहते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या फिर गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट क्या कहती है कि हम इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करवाएंगे। क्या करेंगे? हम इंफॉर्मेशन को नहीं प्रोवाइड करवाएंगे। तो डियर, जो बॉन्ड है ना, तो वो बॉन्ड जारी किए जा रहे हैं, तो बॉन्ड में एक रूल लगाया गया, क्या लगाया गया कि उसमें डोनर का नाम भी डिसाइड नहीं किया गया। क्या नहीं किया गया? कि किसके द्वारा पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दिया जा रहा, जो क्या डिसाइड नहीं किया गया। तो उसके अगेंस्ट में क्या करता है ये, जो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम बॉन्ड के खिलाफ नहीं, लेकिन बॉन्ड में किसके द्वारा चंदा दिया जा रहा है, पैसा डोनेट किया जा रहा है, उसका नाम मेंशन होना चाहिए। और यही जनता चाहती है कि जनता को भी पता लगे पैसा कहाँ से आया है। और यही कौन चाहता है? आपका सुप्रीम कोर्ट भी चाहता है, जो गवर्नमेंट से कहता है कि भाई आपके हम अगेंस्ट में नहीं है, ये बॉन्ड लाने के अगेंस्ट में नहीं है, हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि बॉन्ड है उसके बारे में अवगत करवाए जनता को। ठीक है, तो वो आपका क्या है, पब्लिक रेस्पॉन्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 का एक्ट है, जिसके थ्रू ये इंफॉर्मेशन जनता को बताई जाती है। तो वहीं पे जो RTI है आपकी, राइट टू इंफॉर्मेशन, 2005 का एक एक्ट है, तो इसके द्वारा भी क्या किया गया, तो जो RTI है, RTI के द्वारा एक खुलासा किया गया हाल ही में। क्या खुलासा किया गया है? कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, प्रेजेंट गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया कि जो आपका बॉन्ड है, बॉन्ड को समय से पहले ही जारी कर दिया गया और उसके लिए एक विंडो बनाई गई
अब आप जानते हैं गवर्नमेंट तो जारी करेगी, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं, या फिर जो ADR NGO थी उसने पहले बताया कि इसका जो पावर में है जो गवर्नमेंट उसका मिसयूज कर सकती है, नॉट कि यही गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट होगी अपने लिए इसको यूज कर सकती है। तो क्या बताया गया RTI के द्वारा, RTI ने कहा कि इसको समय से पहले ही जारी कर दिया है, जबकि जो इसके रूल रेगुलेशन है बॉन्ड के या चंदा जारी करने के, तो उसमें कहा गया कि उसको एक विशेष टाइम पीरियड डिसाइड किया गया, उसी के अंदर क्या होना चाहिए वो जारी होने चाहिए, लेकिन इसके द्वारा इसका मिसयूज किया गया, ऐसा किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया। और ये आपका जो पब्लिक रेस्पॉन्सिबिलिटी रिप्रेजेंटेटिव एक्ट था इसका एक सेक्शन है इसमें 29A, जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी होती है जनता को। आई होप आपको ये सेगमेंट अच्छी तरह से समझ में आया होगा, इसमें कि जो क्या क्या कन्वर्सेशन हुई है सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के बीच में। आइए अब नेक्स्ट सेगमेंट देख लेते हैं CIC के बारे में, आखिर CIC बॉडी है जो क्या है। तो डियर देख लेते हैं आखिर CIC के बारे में। तो CIC को बोलते हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, यानी कि एक केंद्र का एक सूचना विभाग है जिसके द्वारा तमाम गवर्नमेंटल सूचनाएं दी जाती है, जनता तक पहुंचाई जाती है। आइए इसकी बात करें तो इसको इस्टेब्लिश किया गया, इसको स्थापित किया गया था 2005 में अंडर एक्ट ऑफ RTI 2005, यानी कि इसको RTI एक्ट के थ्रू इस्टेब्लिश किया गया था। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में कि वो जो आपका सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है वो किस एक्ट के थ्रू लाया गया, तो RTI एक्ट यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंडर लाया गया। देन इसके अपॉइंटमेंट की बात करें तो एक कमेटी बनाई जाती है इसके लिए, कमेटी में कुछ सदस्य होते हैं, उनके द्वारा रिकमेंड किया जाता है किसको, प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट क्या करता है इसको, इसके सदस्यों को अपॉइंट करता है, किसके, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के सदस्यों को। अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो ये किस उद्देश्य पर कार्य करती है, तो इसमें मेंशन किया गया है आपको, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ कमीशन टू रिसीव एंड इंक्वायरी इनटू ए कंप्लेंट फ्रॉम एनी पर्सन, क्या करती है, कंप्लेंट्स को सुनती है, किससे रिलेटेड, मतलब जो गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन वगैरह उसे कोई व्यक्ति हो सकता, कोई इंस्टीट्यूशन होता है जिसके द्वारा क्या कंप्लेंट की जा सकती, पर्सन रिगार्डिंग RTI एक्ट 2000, यदि इंफॉर्मेशन से संबंधित कोई समस्याएं आती है तो उनको क्या करता, सुनवाई करता है एक्ट। तो आप जानते ही है कि अगर इंफॉर्मेशन की बात करते हैं तो आपके फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 19 रखा गया जिसको बोलते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कि आपको बोलने का अधिकार है, बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार है, और उसी में क्या रखा गया, आपका राइट टू इंफॉर्मेशन भी रखा गया, यानी कि आपको चीज़ें जानने का भी अधिकार है, ठीक है डियर, तो उसका भी अवोलेशन करता हुआ दिखाई दिया। आई होप आपको यह इन्फॉर्मेशन थी अब तक की जो समझ में आई होगी। अब जो इसका, जो इस क्लास का, जो अपनी लास्ट क्लास या इस क्लास का जो सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट है जिसको एनालिसिस कहे थे हम, या एनालिसिस नोटिफाई किए थे, तो उस सेगमेंट को अब हम डिस्कस करेंगे जिसमें आपको UPSC के GS पेपर, तो बात कर लेते हैं जो ये चैप्टर था आपका, जो एक हमने जो क्लास डिस्कस किया वो क्या था, किस पे आधारित था आपका, UPSC की बात करें तो जो IAS एग्ज़ाम होता है आपका, IAS एग्ज़ाम के GS पेपर सेकंड पर आधारित था, यानी कि जो आपका पॉलिटिकल एंड गवर्नेंस वाला पेपर होता है GS मेंस में उस पर आधारित है। उसमें पूरा का पूरा इस क्लास को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपकी कोई इन्फॉर्मेशन छूटेगी, और आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में भी यहाँ से क्या, डायरेक्ट जो हम एनालिसिस करेंगे उन पॉइंट्स को डायरेक्ट आप मेंस में लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, उससे आपके आंसर में बैठे जाएगा और आपका आंसर राइटिंग का तरीका भी एक इम्प्रूव होगा। आइए बात कर लेते हैं एनालिसिस की हम। तो डियर हमारा नेक्स्ट सेगमेंट देख लेते हैं, नेक्स्ट सेगमेंट था हमारा एनालिसिस, जिसको सेगमेंट नंबर 6 रखा गया था। इसमें हम दोनों पॉइंट्स को देखने की कोशिश करेंगे, पॉजिटिव्स नेगेटिव। अब आइए पहले पॉजिटिव पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं, आखिर जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के क्या क्या फायदे, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड होने के क्या क्या लाभ हैं, आइए बात कर लेते हैं। जब इसके सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो इसमें बताया गया कि वेरी इजी टू सेटअप, यानी कि अगर चंदा आता रहेगा, कहने का मतलब यह है कि यदि चंदा जो है, जो आपका बॉन्ड है, अगर जारी किया जाएगा, ये चंदा आता रहेगा, क्या बोलते हैं इसको, पॉलिटिकल पार्टीज के पास में, तो उससे क्या होगा कि वो अच्छी तरह अपने आप को ब्रॉडकास्ट कर पाएंगे और जनता, लोकल जनता तक भी अपनी पहुंच को
बना पाएंगे। देन बात करते हैं उसी प्रकार से मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट आर नॉट एप्लीकेबल, यानी कि ऐसा नहीं है कि एक बड़ी इंडस्ट्रियन या फिर कोई बड़ा उद्योगपति इसको फंड कर सकता है। आप 1000 जो मिनिमम इसकी वो रखा गया कि आप मिनिमम भी पैसा इसमें क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, 1000 रुपये अपना भी आप योगदान दे सकते हैं। देन बात करते हैं इसमें कहा गया टैक्स बेनिफिट्स आर प्रोवाइडेड, यदि इनके पास ब्रॉडकास्टिंग वगैरह के लिए या फंड वगैरह अच्छी तरह इकट्ठा हो जाता है तो आपको टैक्स में भी बेनिफिट प्रोवाइड करवा सकते हैं, ऐसा इनका पॉजिटिव पॉइंट्स बोलता है। देन बात करते हैं इसमें मच इजियर टू रन, और ये क्या है मतलब कि जो चुनाव प्रक्रिया को आसानी कर देता है, उसकी गति में तीव्रता लाता है। तो ये आपके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जिनको आप डायरेक्ट मेंस एग्जाम में मेंशन कर सकते हैं और आप उसको डिस्कशन भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको जो मेन हेडिंग अगर आपको हेडलाइन पता है तो आप बाकी उसको एक्सप्लेन अच्छी तरह कर पाते हैं। देन अगर इसके सेकंड पॉइंट्स की ओर चलते हैं जिसको नेगेटिव या लॉसेज कहा गया कि आखिर इस बॉन्ड के नुकसान क्या क्या हैं या क्या क्या नहीं है, तो इसमें देखते हैं तो इसमें पहला एनोमिटी दिया गया, यानी कि इसकी गोपनीयता के बारे में बात की। गोपनीयता के बारे में हम थोड़ी देर पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं या लास्ट क्लास में भी हमने उसके बारे में बताया था कि क्या किया गया है कि इसमें जो बॉन्ड होते हैं ना, बॉन्ड के अंदर नाम मेंशन नहीं किया गया। क्या नहीं किया गया कि जो चंदा है, जो बॉन्ड है वो कहाँ से आएगा या फिर किस व्यक्ति के द्वारा खरीदे जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी डिसाइड नहीं किया, जिसकी वजह से क्या होता जनता तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँचती है कि कहाँ कहाँ से इनके पास धन आ रहा है। देन बात करते हैं इसमें ब्लैक मनी, ये ब्लैक मनी को बढ़ावा देता है, क्योंकि जब पता नहीं होगा जनता को कि धन कहाँ से आ रहा है या मनी कहाँ से आ रही है तो ये ब्लैक मनी को बढ़ावा देगा। ब्लैक मनी को कैसे बढ़ावा देगा, जैसे कि किसी व्यक्ति किसी इंडस्ट्रियल के पास में बहुत सारा काला धन पड़ा मान ले जाए, वो क्या करेगा कि भाई ये पैसे का कहीं यूज़ तो वैसे भी नहीं होने वाला, तो इसको क्या करते हैं हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर दें, उसमें हमारा नाम तो वैसे भी आने वाला नहीं है, और उस ब्लैक मनी को अच्छी तरह से यूटिलाइज कर लिया जाता है, तो उसके भी संभावनाएँ बढ़ती है, ठीक है, जिसकी वजह से आपके अनस्टेबिलिटी भी आ जाती है। कैसे कि जो आपके रिच और पुअर के बीच का जो गैप है और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जिनके पास ब्लैक मनी उसका वो यूज कर पा रहे हैं तो उनको जो वाइट मनी में, अगर वाइट मनी होगी वो तो उसमें टैक्स पे करना पड़ेगा उनको, तो वो क्या करते हैं टैक्स वगैरह को बचा लेते हैं। तो इस प्रकार से ब्लैक मनी को भी बढ़ावा देगा ये बॉन्ड। इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी कहा गया कि बॉन्ड लाओ, कोई दिक्कत नहीं है हमें बॉन्ड लाने से, लेकिन बॉन्ड में कम से कम डोनर का नाम तो मेंशन होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी कहा गया इसको लेके। देन बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी की, तो इसमें ट्रांसपेरेंसी खत्म कर रखी है। ट्रांसपेरेंसी की बात, नाम मेंशन नहीं है, देने वाले का पता नहीं है, लेने वाली पार्टी को पता नहीं है, और जो पार्टी के अंदर जो लीडर्स होते हैं कई सारे लीडर्स को भी पता नहीं होता कि पैसा कहाँ से आ रहा है, तो उस वजह से ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाती है, यानी कि जो बीच में जानकारियां हैं वो जानकारियां नहीं देंगे तो क्या होगा, एक दूसरे को चीज़ें पता नहीं लग पाएगी। देन उसी प्रकार से बात करते हैं एथिकल ट्रस्ट की, तो जो जनता को अगर यदि पैसा होगा कि भाई टैक्स सेंशन कहाँ जा रहा, फंड कहाँ जा रहा, इसको लेकर आपने देखा अभी अनसर्टेनिटी थी पीएम केयर फंड को लेकर, जनता के द्वारा ह्यूज रूप में क्या पैसा डोनेट किया गया लेकिन अंत में उनको बताया नहीं गया कि उन्हीं का पैसा लेकिन यूज कहाँ किया जा रहा, तो क्या उसका एथिकल ट्रस्ट खत्म हो गया। कह रहे भाई गवर्नमेंट तो ऐसी अगली बार क्या करेंगे, या फिर कुछ चेंजेज लाने चाहिए फिर गवर्नमेंट सिस्टम को, जो भी व्यक्ति या लोगों के मन में भाव आते हैं वो सबको बताया जा रहा है, तो इस प्रकार से एथिकल ट्रस्ट भी उनका खत्म होता है। देन बात करते हैं इसमें एक्सपेंडिचर नॉट डिसाइडेड, यानी कि खर्चे का कोई अमाउंट डिसाइड नहीं किया गया कि एक पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा खर्च करना चाहिए अपनी ब्रॉडकास्टिंग पे, अपने प्रचार प्रसार पे, ये अनाधुंध पैसा खर्च करते हैं, जैसे कि आपने देखा भी होगा, खैर नाम नहीं लेना चाहिए वैसे, कई जगह पे ऐसे ऐसे लोग हैं कि यहाँ तो पेंडेमिक चल रहा है उधर को LED के थ्रू या फिर रैलियों के थ्रू, भाई साहब लोगों को तो सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है, आप क्या कर रहे हैं, और उसमें भी अनाधुंध पैसा खर्च किया जा रहा। आपने देखा भी होगा जनरल इलेक्शन, चलो छोड़िए सेंट्रल लेवल के इलेक्शन की बात, आप जनरल गांव में भी जो लाइक एज सरपंच या फिर उसको बोलते वार्ड पंच वगैरह का कुछ ऐसे इलेक्शन देखे, उनमें भी आपने देखा ह्यूज रूप में ड्रिंकिंग या वगैरह, यानी कि अनलीगल पैसा यूज किया जाता, तो उसकी इनका कहना कि इस प्रकार से अगर पैसा आता जाएगा तो ये तो मिसयूज बढ़ता ही जाएगा इसका, तो ऐसे इसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। आई होप आपको आज का जो डिस्कशन है वो समझ में आया होगा कि जो एनालिसिस है कि आप अगर इससे मैं क्वेश्चन पूछा जाता आपको क्रिटिकल एनालाइज अगर पूछा जाए तो आप दोनों के दोनों पॉइंट्स को क्या कर सकते हैं, 5 पॉइंट्स इसके मेंस में लिख सकते हैं एज इट इज, और इसका इंट्रोडक्शन देके कंक्लूजन दे देना आपका पूरा का पूरा 250
जो वर्ड्स है उसका आंसर को कंप्लीट कर देगा ये के ये एक सेगमेंट। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आया हो। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की ओर, जिसमें हमने बोला था कि गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या स्टेप लिए गए, क्या क्या स्टेप नहीं लिए गए हैं। तो डियर हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है आपका गवर्नमेंट का स्टेप, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या स्टेप उठाए गए इन बॉन्ड या चुनावी चंदे को लेकर। तो इसमें बोला गया कि आपको जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 का जो सेक्शन 29A था, वो क्या फंडिंग के तरीकों के बारे में बताता था कि भाई फंड किस किस रूप से, किस किस प्रकार से करना चाहिए, किस किस प्रकार से नहीं करना चाहिए। लेकिन उसी के तुरंत बाद क्या हुआ कि इनके भाई पैसों को कम कर दिया गया ना फंडिंग के, वो इनके द्वारा बताया था आपको 20,000 की अमाउंट कर दी गई थी। तो इन्होंने कहा, फिर इनके द्वारा एक दूसरा बिल लाया गया जिसको बोलते हैं कॉरपोरेट फंडिंग एक्ट, या बिल बोल सकते हैं इसको, ठीक है। एक्ट बाद में बनता डियर, पॉलिटिक डिस्कस करेंगे, पहले बिल होता देन एक्ट में कन्वर्ट हो जाता। तो ये बिल लाया गया 1968 में, ठीक है, जिसमें कहा गया कि जो इस और इस टाइम पीरियड के बीच में जितना भी लॉस हुआ है उसका तो इनको क्या देना पड़ेगा, 5% देना पड़ेगा उसका जो लॉस हुआ है, यानी कि पैसे वापस फंडिंग करवाना स्टार्ट कर दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। और इसमें क्या मेंशन किया गया, इसमें मेंशन किया गया कि जो कॉरपोरेट फंडिंग होगी, यानी कि जितनी भी कंपनीज वगैरह इंडस्ट्रीज वगैरह जो फंड करेगी पैसा देगी उस पर टैक्स नहीं लगेगा। ये 2003 में ये मेंशन किया गया कि इसमें टैक्स नहीं लगेगा जो फंड आएगा उसमें। देन बात करते हैं उसके बाद में एक और बिल लाया गया 2017-18 में, भाई गवर्नमेंट को या सुप्रीम कोर्ट को लगा कि नहीं ये तो गलत हो रहा है, बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है इससे गवर्नमेंट, यानी कि कोई फ़ायदा नहीं हो रहा सरकार को। तो उन्होंने क्या किया, फिर वही 2017-18 का एक्ट बोलो बजट पास किया और उसमें मेंशन किया गया था जो आपको लास्ट में भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो 20,000 का अमाउंट था उसको कम करके 2,000 कर दिया गया, यानी 2,000 तक का अगर अमाउंट आपके पास में आता है तो उससे संबंधित आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन 2,000 रुपये से अधिक पैसा आता है तो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी ही पड़ेगी। और उसके बाद में अभी 2020-21 में आया जिसमें आपको बताया क्या कहा गया है कि SBI के थ्रू ये बॉन्ड जारी होंगे। तो आई होप आपको ये डिस्कशन समझ में आया होगा कि गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या स्टेप लिए गए, क्या क्या स्टेप्स नहीं लिए गए, इनको हम डिस्कस कर चुके हैं भलीभांति रूप से एक ओवरव्यू के रूप में, जो आपके माइंड में अच्छी तरह सेट कर लेना ताकि एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस पूछा जाए तो आप उनको अच्छी तरह या बेहतर तरीके से डील कर सके। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट सेगमेंट की ओर, जिसमें हम इसका फ्यूचर प्लान देखने वाले, आखिर क्या है को लेकर फ्यूचर प्लान, या आपसे अगर UPSC में ओपिनियन पूछा जाता है मेंस एग्जाम में तो आप ओपिनियन के तौर पर भी ये चीज़ें बता सकते हैं। अब ओपिनियन का मतलब ये नहीं है कि आप आपके मन में जो चल रहा है, क्योंकि देखो जो पब्लिक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जब हम सोचते हैं ना पब्लिक के संदर्भ में सोचते हैं तो अलग तरीके से हमें थोड़ा सोचना पड़ता है, और जब पर्सनल तरीके से सोचते हैं थोड़ा अलग तरीके, क्योंकि पब्लिक तरीके से सोचने का तात्पर्य क्या, हमारा ये कहने का तात्पर्य है कि आपको ऐसी बातें या ऐसी चीज़ें लिखनी चाहिए जिससे कि जो कॉपी चेक करने वाला होता है उसको भी ऐसा नहीं लगे, कि काफ़ी लोग क्या होता है एकदम क्रिटिकल हो जाते हैं और पूरा का पूरा जो कि हमारा एक पर्सनल मामला होता है वो, और तब कि हम वहाँ पे जो डील करेंगे, यानी जो एक IAS ऑफिसर होता है वो क्या होता है पब्लिक सर्वेंट होता है, तो आपको वहाँ पे ऐसी ही बातें करनी होती है, ऐसी ही बातें मेंशन करनी है कॉपी में भी, कि वो ना तो इतनी ज़्यादा क्रिटिकल होनी चाहिए और ना ही इतनी ज़्यादा पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी आपको बीच का पथ, यानी जिसको बुद्धा पथ बोलते हैं, वो लेके चलना होता है। आइए देख लेते हैं फ्यूचर प्लान को, आखिर फ्यूचर प्लान में क्या क्या चीज़ें हैं। जो हमारा सेगमेंट नंबर 8 था, जब फ्यूचर प्लान की बात करते हैं तो इसमें हम कई सारे पॉइंट्स हैं जो मेंशन किए कर देते हैं, आखिर क्या क्या है, या फिर इससे रिलेटेड बात कर लेते हैं। सो डियर हम नेक्स्ट सेगमेंट की ओर चलते हैं, हमारा नेक्स्ट सेगमेंट कौन सा, फ्यूचर प्लान। फ्यूचर प्लान की बात कर, देखो आप जब आंसर राइटिंग करते हैं ना, तो आप में को कंक्लूजन देना होता है, कंक्लूजन में अगर क्रिटिकल एनालाइज पूछा जाता है आपसे तो कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं आप, आपको कुछ ओपिनियंस देने होते हैं जो रिलेटेड हो उनसे। जैसे कि बात करते हैं इस, अगर इलेक्ट्रल बॉन्ड को क्रिटिकल एनालाइज पूछा जाए आपसे तो उसमें आपको क्या मेंशन करना होता है, बाकी क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं अभी थोड़ी देर में हम। तो इसमें ट्रांसपेरेंसी की बात की गई, यानी आप जब आप कंक्लूजन दे रहे हो तो आप उसमें ओपिनियन दे सकते हैं अपने ओपिनियन के रूप में, कि हमें ट्रांसपेरेंसी की आवश्यकता है, यानी कि जितने भी सूचनाएँ प्रोवाइड करवानी चाहिए जनता तक और जन बोर्ड को प्रोवाइड करवानी चाहिए, ठीक है।
तो उससे क्या रहता है, ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है, नहीं लोगों को पता रहता है कि भाई हमारे पैसे का कहाँ यूज किया जा रहा, कहाँ नहीं यूज किया जा रहा, और उनमें एक ट्रस्ट बना रहता है। देन बात करते हैं इलेक्शन कमीशन विद लॉ कमीशन, यानी इलेक्शन कमीशन में तो अमेंडमेंट करना चाहिए ना, कुछ सुधार करने चाहिए, लेकिन उसके साथ में लॉ कमीशन यानी कि जितने कानून कायदे बनाए जाते हैं इनके लिए इलेक्ट्रोल बॉन्ड के लिए, तो उनमें भी सुधार करने की आवश्यकता है। देन बात करें उसके बाद में नेशनल इलेक्शन फंड की, तो क्या करना चाहिए, एक देखो अभी तक तो क्या होता है डायरेक्ट पॉलिटिकल पार्टी के खाते में जाते हैं पैसे, लेकिन हम ओपिनियन रख सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन को एक फंड बनाना चाहिए और फंड का एक दायरा डिसाइड करना चाहिए कि इतने ही दायरे में एक पार्टी को या उसकी प्रेजेंटेशन के अनुसार या फिर वो जितने उसकी मेजोरिटी रखती है तो मेजोरिटी के अकॉर्डिंग उसको क्या देना चाहिए, उसको फंडिंग करनी चाहिए। देन उसके बाद में एनोमिटी की बात करते हैं, तो इसमें जो गोपनीयता की बात की गई है, एनोमिटी की बात की गई है, वो क्या थी कि भाई जो फंड करना करने वाला है तो उसका भी नाम मेंशन होना चाहिए बॉन्ड में, ताकि उससे ट्रांसपेरेंसी बनी रह सके, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी को ज़्यादा फोकस इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछने की संभावना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं तो जो आपका पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 था, तो उसमें भी कुछ सुधार की आवश्यकता है, जो इनको ये तमाम सुधार करने चाहिए। ये आप कंक्लूजन में पाँचों पॉइंट्स में से में कोई से भी दो तीन पॉइंट मेंशन कर सकते हैं, इससे आपके आंसर में थोड़ा दम आ जाता है। तो डियर इसी प्रकार से हम इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आपका जो इलेक्ट्रल बॉन्ड से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं, हम सारे के सारे क्वेश्चन और पॉइंट्स को या इन्फॉर्मेशन को डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपको भली भांति रूप से समझ में आई होगी, और आप इसी प्रकार की और क्लास चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं तो द हिंदू का अभी पूरा का पूरा डिस्कशन या पूरा का पूरा करंट अफेयर की सीरीज भी हम ले आएंगे, लेकिन वो आपकी प्रेजेंटेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप का जो कि आपकी उपस्थिति कितनी रहती है उसके हिसाब से। अगर आप ज़्यादा मात्रा में वोट करेंगे कि सर द हिंदू या फिर करंट अफेयर की पूरी सीरीज लानी चाहिए, तो आपको पूरी की पूरी करंट अफेयर की सीरीज यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से यानी आईएएस एग्जाम को आधार रखते हुए बाकी सारी एग्जाम्स के लिए आपको करंट अफेयर भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। और आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देते हैं कि आपको जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और क्लासेज हैं हमारी, जो सारी की सारी द स्टडी अलायंस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है, और हरिचरण बैरवा के नाम से फेसबुक पेज है, उस पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी जाती है। आज ये क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।